as we have earlier discussed in the last lecture about the monohybrid cross and then the law of segregation, today first we will study gamete formation for the crosses, the genetic crosses. So it is the gamete formation. ओके गैमेट फॉर्मेशन के तरीके हैं वो मैं आपको बात बताऊंगा और याद रखें मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूं एक बात पे गैमेट फॉर्मेशन इन्वॉल्व मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस मियोसिस अकर एंड द गैमेट फॉर्मेशन द मियोसिस इन्वॉल्व एनाफेज वन ड्यूरिंग विच द होमोलोगस क्रोमोसोम दे गॉट सेग्रीगेटेड. ओके फर्स्ट द गैमेट फॉर्मेशन फॉर monohybrid cross. Now monohybrid cross is the cross which involves the study of what? It is gamete formation for monohybrid cross is the cross which involves study of single character at a time. Now monohybrid cross ke jab aap gametes banayenge beta to either you have the condition डोमिनेंट होमोजाइगस देखेंगे ध्यान से डोमिनेंट होमोजाइगस आइदर डोमिनेंट रिसेसिव होमोजाइगस एंड इधर डोमिनेंट फिनोटाइप विद हिटेरोजाइगस व्हाट जीनोटाइप. क्या मतलब होता है इसका हम देखते हैं. इसका मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ओके वन फ्रॉम मेल पेरेंट एंड वन फ्रॉम फीमेल पेरेंट. आप चाहें तो इसको प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं. वन केम फ्रॉम मदर वन फ्रॉम मैटरनल पेरेंट एंड वन फ्रॉम पैटर्नल पेरेंट फादर और ग्रैंडफादर. जो इमीडिएट जनरेशन है उसमें फादर कहा जाएगा. तीनों में क्या कंडीशन है वो आप देखेंगे अब. नाउ सी अकॉर्डिंग टू दिस इफ द सिलेक्टिव जीन इन दिस केस इट इज the same locus is occupied. What is the locus? It is the position of the gene over the chromosome. Chromosome ke upar gene ki kya position hai? Ise locus kaha jata hai. It is T, then it should be here T dominant. Mother and father both will donate the dominant allele. What in this case? यहां पे इट इज स्मॉल टी और पैटर्नल पेरेंट आल्सो डोनेट स्मॉल टी. हियर इट इज मैटर्नल पेरेंट इज डोनेटिंग डोमिनेंट एलील व्हाइल इट इज डोनेटिंग द पैटर्नल पेरेंट इज डोनेटिंग रिसेसिव एलील. तो गैमीट बनने के दौरान क्या होता है बेटा? सिंपली द होमोलोगस क्रोमोसोम हैज व्हेन द गैमेटोजेनेसिस अकर. मैं यहां पे लिख रहा हूं गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस जब भी होगा तो क्या होगा? ये होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे एंड फॉर दैट रीजन देखिए फॉर दैट रीजन दिस क्रोमोसोम विल गो टू वन गैमेट एंड दिस विल गो टू अनदर गैमेट. इट इज द कंडीशन इज नॉट लाइक दैट. दिस आप यहां देखें ये बहुत जरूरी है बेटा देखना और समझना. यहां पे बात नहीं करेंगे. See here, it is with
इक्वल टी। अब आप देख रहे हैं दो तरह के गैमिट बन गए इसमें, सॉरी अदर विद आल्सो कैपिटल टी बिकॉज इट इज होमोजाइगस, होमोजाइगस में टी और टी बनेंगे। इसके केस में होमोलोगस क्रोमोसोम भी अलग होंगे, होंगे तो सभी के केस में। और इस इंडिविजुअल के जो गैमिट्स बनेंगे वे किस तरह के होंगे, देयर आर टू गैमिट्स। अब मैं क्रोमोसोम, यहां पे जो क्रोमोसोम होगा वो मैटरनल और वन इज द गैमिट विद द पैटर्नल एलील और जीन। देखिए बेटा यहां पे क्या होगा, बिकॉज इट इज होमोजाइगस सो इट इज हैविंग स्मॉल टी एंड इट इज ऑल्सो हैविंग स्मॉल टी। आप देख रहे हैं होमोजाइगस जो इंडिविजुअल होते हैं उनमें एक ही तरह के गैमिट्स बनते हैं, दिस इज टी एंड टी, दिस इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। व्हाट द डिफरेंस इज देयर इन केस ऑफ हिटेरोजाइगस इंडिविजुअल, ये हिटेरोजाइगस इंडिविजुअल जिनमें दोनों एलील अलग अलग हैं, जब होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग होंगे आप ध्यान से देखेंगे देन व्हाट हैपन, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू काइंड ऑफ गैमिट्स। क्यों, क्योंकि जो पैटर्नल जो क्रोमोसोम है वो एक गैमिट में चला जाएगा, और मैंने कहा था आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, और जो दूसरा जो है जो पैटर्नल है वो दूसरे गैमिट में चला जाएगा। मैंने कहा था गैमिट्स आर ऑलवेज प्योर फॉर द एलील्स, तो आप देख सकते हैं यहां पे इसमें एक ही एलील है और वो क्या है बेटा, इट इज टी, और इसके केस में इट इज स्मॉल टी। सो द हिटेरोजाइगस इंडिविजुअल दे फॉर्म टू टाइप ऑफ गैमिट्स, ये मैंने प्रोसेस बता दिया। अब अगर हमें जल्दी से देखिए कि अब आप इतना टाइम लगाएंगे प्रोसेस करने के लिए तब तो मुश्किल हो जाएगा, हमने जल्दी से गैमिट बनाने हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक दिए जा रहा हूं कि क्या करना है आपने, व्हाट अबाउट द ट्रिक, इन ट्रिक सिंपली यू हैव टू सेपरेट द एलील्स। अगर आपके पास पेरेंट है टॉल विथ टी टी देन व्हाट यू टू डू, क्या गैमिट्स बनेंगे बेटा, इट इज टी एंड टी, इज इट क्लियर और नॉट, इफ इट इज द कंडीशन इज लाइक दैट इट इज होमोजाइगस ड्वार्फ, होमोजाइगस रिसेसिव ड्वार्फ, और इसमें टी स्मॉल टी स्मॉल टी है तो सिंपल सा फंडा क्या है, इट इज स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। व्हाट इन केस ऑफ हिटेरोजाइगस टॉल इट इज होमोजाइगस टॉल, वो तो इट इज होमोजाइगस टॉल एंड इट इज होमोजाइगस ड्वार्फ, होमोजाइगस ड्वार्फ। हियर इट इज द थर्ड कंडीशन इज अगर आपके पास पेरेंट हिटेरोजाइगस है और हिटेरोजाइगस ऑलवेज दे आर हैविंग डोमिनेंट, हिटेरोजाइगस डोमिनेंट, क्योंकि हिटेरोजाइगस में डोमिनेंट ट्रेट ही अपीयर करता है इन केस ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस, जबकि ये आगे जाके जब हम नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो अलग बात करूंगा, पर अभी तक आप करेंगे क्या, सिंपल सा फंडा है इट इज टी स्मॉल टी, व्हाट टू डू, सेपरेट द गैमिट विल बी टी एंड स्मॉल टी, इज इट क्लियर और नॉट, सबको क्लियर है बेटा, इज इट क्लियर। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए जब आपने गैमिट्स बनाने हैं तो आपने सिर्फ सेपरेट करना है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अब आपको बता रहा हूं। नाउ ये तो सिंपल सा था, नाउ वी विल मेक इट फॉर द डाईहाइब्रिड क्रॉस, दिस इज द मेन व्हाट यू डू देयर, लेट अस सी डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है वो देखते हैं। इन डाईहाइब्रिड क्रॉस गैमिट फॉर्मेशन फॉर डाईहाइब्रिड क्रॉस, और ध्यान से समझे क्योंकि इसी के बाद बेटा आपको ट्राईहाइब्रिड क्रॉस के भी अभी मैं आपको गैमिट्स बनाना बता दूंगा। डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा, अभी तक हमने एलील्स की बात की, हमने मैं एक सेल आपके सामने बना रहा हूं उसको, दिस इज अ सेल द पी प्लांट हैव 14 क्रोमोसोम टोटल 7 पेयर्स, वी हैव 23 पेयर्स 46 क्रोमोसोम्स। मैं किसी एक ऑर्गेनिज्म को ले रहा हूं जिसमें सपोज
there are only 4 chromosomes. So the condition is like that. It have 2 pairs of chromosome. मैं सिर्फ समझने के लिए ले रहा हूं. And paternal and maternal, it is second pair. ध्यान से देखिएगा आप. इट इज सेकेंड वन. स्पोर्ट्स पी प्लांट में 7 पेयर होते हैं, ऐसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ पेयर होगा. हम ये मान के चल रहे हैं अभी तक जो मेंडल ने क्रॉसिस की उन्होंने सभी कैरेक्टर्स को अल्टरनेट किया था. मैंने 7 के 7 कैरेक्टर आपसे डिस्कस किए हैं. यहां पे स्पोर्ट्स जो जीन है वो शेप ऑफ शीट, कौन सा शेप ऑफ शीट, शेप ऑफ शीट इज वन कैरेक्टर. और इसकी ट्रेट्स थी वन इज राउंड एंड वन इज रिंकल. मैंने कहा था आपको कि आपने मटर के सीड्स देखे होंगे तो एक जो होते हैं जो मैक्सिमम जो मटर जब निकालते हैं तो मैक्सिमम जो होते हैं वो राउंडेड होते हैं. मैं ग्रीन से बनाता हूं आपको मटर लग जाएंगे ये इस तरह से. और कुछ एक जो होते हैं मेट्रॉक ऐसे होते हैं थोड़े से ऐसे ना वो रिंकल्ड होते हैं, वो बिल्कुल फुले हुए नहीं होते हैं मटर. तो दिस इज शेप ऑफ शीट इज द वन कैरेक्टर. सपोज कीजिए कि जो जीन जो शेप ऑफ शीट को कंट्रोल कर रहे हैं दे आर प्रेजेंट ओवर हियर एट दिस पोजिशन. ओके नाउ इट इज द जीन कंट्रोलिंग दिस पर्टिकुलर राउंड ट्रेट राउंड सीट. इट इज राउंड सीट इट इज R and this wrinkle is it is controlled by small r. So it is R here and small r here. One more character is there. The Mendel studied. मैं मेंडल की बात कर रहा हूं जो मेंडल पढ़े थे उस टाइम उन्होंने स्टडी किया था. कलर ऑफ कॉटिलीडन्स, कलर ऑफ कॉटिलीडन्स. अगर आपने मटर है मटर का एक कवर होता है हम उसको निकाल दे दैट कवर जो सीड कोट है उसे टेस्टा कहा जाता है. TESTA टेस्टा का प्रश्न में पढ़ा है आपने उसे टेस्टा कहा जाता है. और उसके अंदर क्या होते हैं बेटा दो कॉटिलीडन्स होते हैं, दो कॉटिलीडन्स होते हैं. और मेंडल हैव स्टडीड, मेंडल ने जब उन पर्टिकुलर प्लांट्स को पढ़ा जो मेंडल के खेतों में थे फील्ड्स में थे तो जो कलर था वो था येलो एंड ग्रीन. मेंडल के जो कॉटिलीडन थे वो येलो ज्यादा थे, हम जो देखते हैं उनमें ग्रीन ज्यादा होते हैं. तो डिपेंड करता है कौन सी स्ट्रेन है कौन सी पर्टिकुलर वेराइटी है मटर की. सो इट इज येलो इन कलर. सो मैं यहां पे लिख रहा हूं वाई एंड ग्रीन इज कंट्रोल्ड बाय स्मॉल वाई. ये जो मैंने बोला था आपको 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स लिए 7 क्रोमोसोम पे थे तो सपोज कीजिए ये जो है वो वाई और स्मॉल वाई जो है वो यहां लोकेट है और ये दूसरा पेयर है सेम पेयर नहीं. अब आप इस बात को रखें यार कि जब बेटा गैमीट बनेंगे, देखिए मैं आपको बता रहा हूं मैंने कल भी बात की थी मेंडल हैव यूज्ड टू प्रिंसिपल. वन इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का नियम उन्होंने लगाया था संभावना है वो हम देखेंगे. और दूसरा जो उन्होंने स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन की थी मैं आज उसको भी आपसे डिस्कस करूंगा आफ्टर डायहेड्रल क्रॉस. सो सी हियर अब देखो बेटा क्या होगा जो जब मियोसिस होगी ध्यान से देखिएगा आप. मैं यहां पे अभी आपको समझाने के लिए इनको नाम दे सकता हूं. मैं इस क्रोमोसोम को बोल रहा हूं ए, इसको बोल रहा हूं बी, इसको बोल रहा हूं सी, इसको डी. I denote them as A, B, C and D. The most important aspect is this to note on. Then मैंने नाम दे दिया तुमको, अब आप पजल नहीं होंगे. देखिए बेटा होगा क्या कि जब तो गैमिट्स बनेंगे तो हमें पता है जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अलग अलग हो जाएंगे. इट मीन्स ए और बी अलग अलग हो जाएंगे, समझे मेरी बात. और सी और डी अलग अलग हो जाएंगे, हो जाएंगे. ये तो हमने मियोसिस की एनाफेज में देखा ही होता है. नाउ व्हेन द
Now when the gametes will be formed, then the genes controlling these two, how much time is there? So, जैसा मैंने डिनोट किया समझने के लिए किया, मैंने इनको ए बी सी डी नाम दे दिए, किसको? होमोलोगस क्रोमोसोम को। तो होगा क्या, दे विल गेट फर्स्ट सेपरेट, वो सेपरेट हो जाएंगे, बेसिकली वो सेग्रीगेट ही हुए, लेकिन हम यहां पे वर्ड यूज करेंगे अशॉर्ट। अशॉर्ट का मतलब ही अलग होना होता है, इसलिए कि आप लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कहीं इसको कंफ्यूज ना कर जाए। इज इट क्लियर? देन सी, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है कि नहीं? देन दिस ए एंड बी, नाउ देयर आर फोर, दिस इज ऑफ द वन पेयर, फर्स्ट पेयर, दिस इज ऑफ द सेकेंड पेयर। देखिए अब गैमिट्स बनेंगे, गैमिट्स में वी हैव द पॉसिबिलिटीज नाउ दैट आइदर दिस क्रोमोसोम विच इज कॉल्ड ए हेयर, जब वो अलग अलग हुए तो उसके बाद हो सकता है ये जो है ये अलग हो गया, अलग हो गया दोनों पेयर, ये जाके ए गैमिट में चला जाए ए, और इस पेयर का भी एक जाएगा ना वहां, देखो फर्स्ट पेयर में से एक जाएगा गैमिट में, और इस पेयर का भी, जितने भी पेयर्स होते हैं उनका एक एक जो क्रोमोसोम है वो जाता है, उसी तो हैप्लॉइड नंबर कहा जाता है। जब आपने प्लस वन में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड पढ़ा था तो बताया था कि वन सिंगल सेट ऑफ जीनोम, तो इस अभी मैं मान के चला कि इनके अंदर पूरा जीनोम चार क्रोमोसोम का है, तो इसमें से एक ए चला गया और दूसरा हो सकता है वो, आप पॉसिबिलिटी की बात करो प्रोबेबिलिटी की, हो सकता है वो सी क्रोमोसोम चला जाए, ये जाए या ए जाए। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, हो सकता है गैमिट के अंदर, वी डोंट नो द कंपोजिशन ऑफ द गैमिट एट दैट टाइम, हो सकता है ए क्रोमोसोम गया और बी जो है वो मिल गया। इज इट क्लियर और नॉट? तो टू पॉसिबिलिटीज आर देयर नाउ। थर्ड केस में इट मे बी दैट इट इज द वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज देयर दैट बी विल गो इन टू द गैमिट, ऐसे देखेंगे आप, मुझे थोड़ा सा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, पहले गैमिट में ए और सी, सेकंड गैमिट में जो पॉसिबिलिटी हो क्या बोलती है, इट मे बी ए एंड डी, हो सकता है ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम गैमिट में जाए, और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, इट इज बी एंड सी, एंड फोर्थ इज वी एंड टी। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है? अब इसी को मैं इन क्रोमोसोम से रिप्लेस कर दूंगा, क्या होगा बेटा, नाउ आई डोनेट देम एज आर स्मॉल आर एंड वाई स्मॉल वाई, क्योंकि ए के, सो वी हैव स्टडीड द फोर ऑप्शंस, ए सी और ए और डी, बी और सी एंड बी और इट मे बी बी एंड डी। अब मैं इसी चीज को आपसे रिप्लेस करूंगा, देखिए ये क्रोमोसोम जो मैंने डोनेट किया था बेसिकली उसपे एलील कौन सा है, आप इस चीज को देखें, इट इज आर और इसपे स्मॉल आर बेटा, और इसपे सी क्रोमोसोम पे वाई और इसपे स्मॉल वाई। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखिए इस क्रोमोसोम को जाने का मतलब है कि वो एलील वहां पे जाएगा गैमिट के अंदर, ध्यान से देखते बाप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दिस। देखिए बेटा व्हाट हैपन नाउ, इट बिकेम आर एंड वाई, इट बिकेम आर एंड स्मॉल वाई, इट बिकेम, द ऑप्शन इज द गैमिट में है आर एलील विद वाई एलील, इट है द
The fourth option is it have R allele of the shape of seed and small y allele of what? Color of particles. Is it clear? Clear है बेटा. अब देखिए ये चार तरह के गैमेट्स बनेंगे. This is very important. Now मैं ये तो एक मेथड. मैं अब अगर इस तरह से क्रोमोसोम के जो नेम्स हमने डोनेट की डिनोशन दिया था उसको अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो आपके सामने गैमेट कैसे बन जाएंगे. मैं इससे भी एक और अच्छा मेथड, क्योंकि जब हम ट्राईहाइब्रिड क्रॉस में चले जाएंगे तो हमसे इस तरह से गैमेट्स नहीं बन पाएंगे. ओके, तो मैं इसी को थोड़ा सा एक और मेथड आपको बताता हूं. दिस इज वन मेथड, दिस इज मेथड नंबर वन. ये मेथड नंबर वन है. इन मेथड टू, सेकंड मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजीएस्ट. इट इज द इजीएस्ट मेथड. दिस इज फोर्थ मेथड. और इससे तो आप पॉली हाइब्रिड प्रोसेस के भी गैमेट्स बना सकते हैं. फोर्थ मेथड, फोर्क मीन चिमटा बोलते हैं मैडम, ऐसे होता है ना फोर्क. आपने फोर्क याद रखना है. क्या याद रखना है? फोर्क. यू शुड रिमेंबर वन थिंग, फोर्क. इज क्लियर? तो फोर्क कैसे होता है हमने ये पढ़ा है. सपोज द जीनोटाइप इज, व्हाट विल बी द जीनोटाइप? अगर आप देखें, अगर मैं इस इंडिविजुअल का जीनोटाइप आपको डिफाइन करके बताऊं तो आप देखेंगे इस इंडिविजुअल का जो जीनोटाइप है वो है आर स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई. पहले सारे के सारे क्रोमोसोम अलग हुए, आर स्मॉल आर के अलग हुए, वाई और स्मॉल वाई के अलग हुए. और एक बात का और ध्यान रखें कि हो सकता है आर और स्मॉल आर सेपरेट हो जाए, अशॉर्ट कर जाए, दे विल अशॉर्ट. और ये जरूरी नहीं है कि वाई और स्मॉल वाई अशॉर्ट करें. मैं ये बता रहा हूं द वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम विल अशॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम. इट शुड बी रिमेंबर. एंड दे गेट रैंडमली फ्यूज्ड इन द गैमेट्स. देखते नहीं हम, एक दूसरे की बिना परवाह किए हुए अलग होते हैं, अशॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. और दूसरा, जब वे गैमेट्स में जाते हैं तो वे कैसे रैंडमली जा रहे हैं, कोई भी किसी में जा सकता है, इसलिए हमें नए से नए कॉम्बिनेशन और वेरिएशंस मिलते हैं. फोर्क मेथड क्या बोलता है? फोर्क मेथड, सपोज इफ जीनोटाइप इज, आप फोर्क मेथड में देखिए, हमारे पास अगर जीनोटाइप है, मैं आर स्मॉल आर वाई स्मॉल वाई के साथ आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वेरिएबिलिटी इसी में आती है. इफ इट इज द पेरेंट, ये अगर पेरेंट है तो सबसे पहले क्या देखना है, ये पेयर और सेकंड पेयर. कैसे करते हैं हम? पेयरिंग कर लेंगे. पहले कर लिया बेटा, अब क्या करेंगे? फर्स्ट पेयर को सेपरेट कर लीजिए, इट अ शॉर्ट. और सेकंड पेयर, अब आपने क्या करना, जब भी आपने सेपरेट करना तो आपने क्या करना, फोर्क लगा देना बेटा उसमें. क्या लगा देना? फोर्क लगा देना आपने. अब ये प्रैक्टिस का है. अब जो सेकंड पेयर है, ठीक है, मैं इसको अदर कलर में अगर लगाऊं तो आप और ज्यादा समझ जाएंगे. इट इज वाई स्मॉल वाई स्पोर्ट. तो ये पेयर भी अलग अलग होगा, आपने फोर्क लगा दिया, आपने कुछ नहीं करना, आपने दूसरे पेयर को भी उन फॉर्क्स पे, दोनों फॉर्क पे ओपन कर देना. आपने सिर्फ उनको ओपन करना होता है. पहला सेपरेट किया और फोर्क लगाया और दूसरा पेयर उन पे ओपन कर दिया. द गैमेट्स विल बी आर वाई आर स्मॉल वाई स्मॉल आर वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई. क्या ये गैमेट उसी की तरह है या नहीं है? आर वाई आर स्मॉल वाई स्मॉल आर वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई. इज इट क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. अब तो इससे ज्यादा अच्छा मेथड मैं आपको ट्राइब्रिड में भी बताऊंगा इसी को, पर इसका पता लग गया ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा. इज इट क्लियर? देखते हैं जल्दी से, मैं इसको रब कर देता हूं या यहीं पे एक और बना देता हूं आपके साथ, कोई बात नहीं. ये मेथड वन था, फोर्क मेथड का एक जीनोटाइप इसके साथ, और होमोजाइगस जीनोटाइप में क्या होगा देखते हैं. होमोजाइगस जीनोटाइप इज, इट इज आर आर एंड इट विल बी वाई वाई. क्या होगा बेटा, क्या होगा? देखिए वही
तो फॉर्क का ही लगेगा। फॉर्क का नियम क्या बोलता है, प्रिंसिपल क्या बोलता है, फॉर्क रूल क्या बोलता है, फॉर्क मेथड क्या बोलता है कि फर्स्ट पेयर को अलग कर लीजिए। कर दिया हमने, क्या किया हमने, आर और आर को अलग कर दिया। और क्या करना है बेटा, बोल दीजिए हमने तो फॉर्क लगा देना। फॉर्क मेथड में तो फॉर्क ही लगेगा। द इजीएस्ट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज दिस एंड इट शुड बी वाई एंड वाई, वाई एंड वाई। द गैमेट्स आर ऑफ वन टाइप, आर वाई, आर वाई, आर वाई। मैं जब स्मॉल बोलता हूं स्मॉल लेटर में, मैं स्मॉल वर्ड यूज करता हूं। इट इज इट क्लियर ऑर नॉट, इट इज क्लियर। रही बात एक और कॉम्बिनेशन जो है, मैं इसको भी आपके साथ कर देता हूं। अब तो आपको समझ में आ गई है बात, अब दिक्कत नहीं है। वन मोर जीरो टाइप इज स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, फर्स्ट पेयर सेकेंड पेयर। मैं पिंक कलर में इसको लिखूं, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इज इट क्लियर नॉट। क्या करना है बेटा, अब आपसे पूछता हूं। अब तो इजी है ना, फर्स्ट पेयर को सेपरेट कर दीजिए। कर दिया, अब फॉर्क लगा दीजिए और क्या करें, सेकंड पेयर को ओपन कर दीजिए, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इट बिकेम, बोल दीजिए बेटा, वेरी गुड, स्मॉल आर वाई। ऑल द गैमेट्स आर सिमिलर विथ स्मॉल आर वाई, स्मॉल आर वाई, स्मॉल आर वाई। हैव यू गॉट दैट और नॉट। तो ये फॉर्क मेथड है, दिस इज द बेस्ट मेथड एवर, आप इससे गैमेट्स को बनाए। इज इट क्लियर। नाउ लेट्स हैव अ लुक फॉर द ट्राई हाइब्रिड क्रॉस विथ फॉर्क मेथड। आप ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को देखेंगे, जल्दी से मैं आपके सामने गैमेट फॉर्मेशन कर रहा हूं। एंड विद दिस द होल ऑफ द जेनेटिक्स क्रॉसेस, द जेनेटिक क्रॉसेस दे आर इन योर, यू विल सॉल्व देम इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। इट इज ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बेटा। इन ट्राई हाइब्रिड बट इज द एस्पेक्ट थ्री कैरेक्टर्स एट अ टाइम, सो इट मीन थ्री क्रोमोसोम एट अ टाइम। ओके, सो द कंडीशन इज लाइक दिस। इट इज सपोज ए ए, देन बी बी, देन सी एन। मैं आपको ज्यादा वेरिएबिलिटी वाला एस्पेक्ट करता हूं। इट इज ए स्मॉल ए, देन बी स्मॉल बी, देन सी स्मॉल सी। जब आप एक क्रॉसिस करें तो आपके जो वर्ड जो लेटर्स हैं उनमें जो स्मॉल एंड कैपिटल है उसमें आपकी सेपरेशन आनी चाहिए। जैसे कि सी हम कई बार इस तरह से लिख देते हैं तो पता नहीं चलता है कैपिटल है या स्मॉल है, तो आप थोड़ा सा टेल वाला सी लिख लीजिए, कर्सिव राइटिंग वाला सी लिखिए। व्हाट टू डू, अगर मैं आपसे एक प्रैक्टिस कराना चाहता हूं, इट बिकम वेरी अनइजी। अब कैसे हम क्रॉसिंग, अब ऑप्शन देखना आपने कितनी है, यू हैव 16 ऑप्शन, 8 ऑप्शन। ये दो, ये दो, ये दो, ये इससे मिला, इससे मिला, इससे मिला, ये इससे मिला, इससे मिला, इससे मिला, ये इससे मिला, इट विल बिकम सो हैपजार्ड। इसलिए जो मेथड नंबर वन था मैं उसको फॉलो नहीं करने के लिए आपको ज्यादा कहूंगा, वो है, वो बेसिक पे डिपेंडेंट है। फोर्थ मेथड इज द ट्रिक, ये ट्रिक है बेटा भाइयों की। तो इसमें आपने क्या करना है, क्या करना है बोल दीजिए। पहला पेयर सेपरेट कर दीजिए, इट इज ए एंड स्मॉल ए। फिर क्या करेंगे बेटा, फॉर्क लगा दीजिए, पूछना नहीं है किसी को क्या करना है, फॉर्क लगा देना आपने। और क्या करना, सेकंड पेयर इसके ओपन कर दीजिए, दोनों पे ओपन कर दिया। फिर क्या करना बेटा, जहां भी आप रुक गए, जहां आपके पास क्वेश्चन आ जाता कि क्या करना है, तो आपने कुछ नहीं करना बेटा, आपने तो फॉर्क लगाना है। क्या लगाना है बेटा, फॉर्क लगाना है आपने। इज इट क्लियर। नाउ क्या करना, थर्ड पेयर इसके ओपन कर देना, सबके सब फॉर्क्स पे, सी एंड स्मॉल सी, सी एंड सी स्मॉल सी, सी एंड स्मॉल सी। इट इज और इट इज देर आर एट गैमेट्स, जो वेरिएबिलिटी है वो एट गैमेट्स की है, और जो गैमेट्स होंगे उनको यहां बना रहा हूं आठ के आठ को, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट। क्लियर, क्या होगा देखते हैं। अब आपने ऐसे पढ़ते चलना है, इनको कैसे स्टडी करना है, रीड आउट कैसे करना है, ए बी सी, ए
बी सी देन ए बी स्मॉल सी, ए बी स्मॉल सी, स्मॉल सी टेल वाली, देन ए बोले बोले आप साथ साथ में बोलिए बेटा स्मॉल बी, देन सी, अब बोले ए, मैं येलो कलर से कर देता हूं, स्मॉल बी देन स्मॉल सी देन, अब यहां ए बी स्मॉल ए बी एंड सी, ठीक है बेटा, देन स्मॉल ए फिर बी और फिर स्मॉल सी, ये क्रॉसिस बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करते हैं, देन हियर ए देन स्मॉल बी देन सी कैपिटल सी, और इन दिस केस इट इज स्मॉल ए देन स्मॉल बी देन स्मॉल सी, तो दिस इज द वेरिएबिलिटी ऑफ द गैमेट्स इन दिस केस। इन होमोजाइगस केस इट इज वेरी सिंपल, मैं एक एग्जांपल आपको दूं अगर जल्दी से, इट इज ए ए बी बी एंड सी सी, होगा ऐसा ही, ऐसा ही करना पड़ेगा आपको, इट इज ए और ए को आपने सेपरेट कर लिया फॉर्क लगा दिया, देन पी और बी को आपने ओपन कर लिया, देखिए आप मैं इजीली करा लूंगा आपको, देन फॉर्क लगा दीजिए, फॉर्क में क्या बोला सी सी एंड ऑल द एट गैमेट्स आर सिमिलर, दीज आर हैविंग व्हाट ए बी एंड सी गैमेट, ऑल आर सिमिलर, ऑल आर सिमिलर, ओके वन मोर इज देयर द कंडीशन इज देयर जीनोटाइप, अगर होमोजाइगस रिसेसिव कोई पेरेंट है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी बेटा, देखिए आप ध्यान से, और कंडीशन कैसी हो जाएगी बेटा, आप सेपरेट कर दीजिए स्मॉल ए फॉर्क लगा दीजिए, देन स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी देन स्मॉल सी अगेंस्ट एप्री दिस फॉर्क, फॉर्क के आगे जो उसकी आर्म है फॉर्क की अरे के आगे आपने स्मॉल सी लगा दिया, और क्या आपका गैमेट बन गया बेटा, देखते हैं आप गैमेट इज हियर, इट इज स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, देर आर वेरी सिंगल ऑप्शन, तो इन केस ऑफ होमोजाइगस व्हाट वी फाउंड देर इज द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल टाइप ऑफ द गैमेट, इन हिटेरोजाइगस देर इज द फॉर्मेशन ऑफ एट गैमेट्स, ओके एंड वी विल स्टडी देर इज द वन पेरेंट हैव द एट टाइप ऑफ गैमेट्स, अदर पेरेंट हैव द एट टाइप ऑफ गैमेट, द पर्नेट पेयर विल बी विद 64 कॉम्बिनेशंस, पढ़ेंगे आप, सो दिस इज द गैमेट फॉर्मेशन वी हैव, वी विल स्टार्ट विद द डाइहाइब्रिड क्रॉस एज यू नो द गैमेट फॉर्मेशन, इज इट क्लियर और नॉट, ठीक है बेटा, अब तो ये ट्राई हैबिट के लिए